Dear student, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Ma'am Maria. Welcome to your English online class. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Students, today we start grammar application. Write an application for an urgent piece of work. आपने ज़रूरी काम पे दरख्वास्त लिखनी है. तो students, pattern ये है. इस pattern को follow करना है. द प्रिंसिपल कॉर्नर में मार्जिन लाइन के जैसे ये मार्जिन लाइन लगी हुई है इसी के कॉर्नर पे आपने लिखना है द प्रिंसिपल. उसी के नीचे द के नीचे आपने लिखना है रियल स्कॉलर स्कूल सिस्टम देन वाकेंट. एक ही सीक्वेंस में आपने लिखना है. उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन मिस स्किप करनी है. सॉरी, लाइन स्किप करने के बाद आपने कॉर्नर ही मार्जिन लाइन के स्टार्ट मार्जिन लाइन के बाद आपने लिखना है मैडम या सर. सर प्रिंसिपल हैं तो आपने सर लिखने हैं और उसके बाद कॉमा. और कॉमे के नीचे नहीं बल्कि सर के नीचे से ही कॉर्नर से जहां से आपने सर स्टार्ट किया लिखना उसी के नीचे से आपने स्टार्ट करना है. मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. यहाँ एन मेंशन नहीं है. आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है. देयरफॉर आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल. जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डे ओनली. मुझे सिर्फ दो दिन की छुट्टियाँ चाहिए. मेहरबानी फरमा कर मुझे सिर्फ दो दिन की छुट्टियाँ दे दें. ठीक है. आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा या रहूँगी. उसी के नीचे कॉर्नर पे जहाँ से आपने सर स्टार्ट किया था उसी के नीचे आपने लिखना है योर ओबीडेंटली. योर्स नॉट योर, योर्स ओबीडेंटली. उसके बाद आपने कॉमा लगाना है. फिर डेट देन क्लास. ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसे या कंपोजिशन. कायदे आज़म अवर लीडर या कायदे आज़म अवर हीरो. कायदे आज़म मोहम्मद अली जना वाज ऑन 25 दिसंबर 1876 एट कराची. कायदे आज़म मोहम्मद अली जना कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए. कायदे आज़म मोहम्मद अली जना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. हिज फादर पोंजा जना वाज अ रिच मार्चेंट. मार्चेंट मीन ताजर, रिच मीन अमीर. उनके जो फादर थे पोंजा जना वो एक अमीर ताजर थे. कायदे आज़म गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट कराची. कराची उन्होंने अर्ली एजुकेशन जो स्टार्ट थी एजुकेशन थी वो कहाँ से हासिल की. कराची से. देन ही वेंट इंग्लैंड. और उसके बाद कहाँ चले गए. इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ऑफ लॉ. लॉ की तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए. कायदे आज़म ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. ठीक है. उसके बाद कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो ज्वाइन कर ली किस लिए. फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. बट ही फेल्ट दैट इट वॉज वर्किंग ऑफ हिंदू राज. फिर इनको महसूस हुआ कि मैं ये काम हिंदुओं के लिए कर रहा हूँ. सो ही लेफ्ट द कांग्रेस एंड ज्वाइन द मुस्लिम लीग. फिर उन्होंने क्या किया, ये कांग्रेस जो थी लेफ्ट कर दी, छोड़ दी और क्या ज्वाइन कर ली, मुस्लिम लीग. टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द मुस्लिम. किस लिए, राइट ऑफ द मुस्लिम. मुस्लिम की आज़ादी के लिए, मुस्लिम को उनकी आज़ादी के लिए जंग लड़ने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की. एट लास्ट ही टू सिंसियर. सिंसियर मीन्स मुखलिस एंड एंथुसियास्टिक पुरजोश एफर्ट्स. वी गॉट रिड ऑफ द योक ऑफ स्लेवरी एंड पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त 1947. आखिर क्या क्या हुआ, उन्होंने अपनी मुखलिस और पुरजोश कोशिशों के बाद क्या हुआ, उनकी क्या ग़ुलामी से निजात दिलाकर पाकिस्तान आखिरकार पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हासिल हो गया. ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948. और वो कब फौत हुए, कब उनकी डेथ हुई, 11 सितंबर 1948. ही वॉज बरिड, बरिड मीन दफनाना, इन कराची. उनको कराची में दफनाया गया.
ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड. मे ही सॉल लिव इन पीस, पीस मीन अमन. ही इज द फादर ऑफ अवर नेशन. ही इज अ हीरो ऑफ द ही इज अ हीरो ऑफ द नेशन. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड.